Dear students, now today in this class, see how to find the distance of a point from the line. आपको कोई भी एक लाइन दी है, जैसे कि यहाँ पर ए लाइन दी है, आर क्यू लाइन है, और ये पी एक पॉइंट दिया है. तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कोई भी आपको लाइन देगा, आपको यहाँ पर प्लेन में यहाँ पे पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ठीक है ना? एक मिनट, ऑन है. हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखिए, एक लाइन ले लेते हम. ठीक है ना? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट वो पी है, एक्स वन वाई वन, फ्रॉम ए लाइन, फ्रॉम ए लाइन इज द लेंथ, इज द लेंथ, इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, है ना? ये P है, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर यहां पे डालता हूं, तो ये PM का जो लेंथ होगा, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन L, है ना? सो लेट कैपिटल L इज अ लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. इस लाइन का इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. ये आपकी लाइन L है, दिस इज लाइन L. ठीक है ना? अभी ये जो लाइन होगी, प्लेन में कहीं पर भी लाइन रहने दो, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, अगर नॉन वर्टिकल लाइन है तो एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करना की करने ही वाली है. अगर वर्टिकल लाइन है तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी. इसका मतलब कहीं पर भी लाइन रहने दो प्लेन को, या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और सिंपली एक्स एक्सिस या सिंपली वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करना ही है. तो सपोज मान लेते कि लाइन एल है, ऐसी नॉन वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना, और ये जो लाइन का इक्वेशन है मैंने लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ये लाइन, तो यहाँ पे एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करेगी तो वाई इक्वल टू जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे जीरो रखो तो ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए मिलेगा. तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस सी अपॉन ए जीरो हो जाएंगे, है ना? अभी ये लाइन, इसी लाइन को अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ वाई एक्सिस को, तो एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी होगा, है ना? इसलिए यहाँ के कोऑर्डिनेट जो है जीरो और माइनस सी अपॉन बी, ठीक है ना? लेट l ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट माइनस सी अपॉन ए जीरो एंड y axis एट जीरो और माइनस सी अपॉन बी. ये दो पॉइंट से मिलते हैं. अब P जो पॉइंट है दिया हुआ है आउटसाइड द लाइन, ओके, लेट कैपिटल P एक्स वन वाई वन इज एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट दिया है, एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर PM ऑन लाइन L. PM ये परपेंडिकुलर डालो, देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM इक्वल्स टू D, ए D मान लेते सपोज, विल बी द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम लाइन L. तो ये जो PM हो जाएगा, ये आपका पॉइंट P से
डिस्टेंस हो जाएगा, पीएम विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन एल, ठीक है ना। अभी यहां पर क्या करता हूं मैं, पी क्यू आर का पहले एरिया निकालता हूं, पी क्यू आर का एरिया, पी क्यू आर का एरिया निकालो सबसे पहले। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां पर जीरो है, आर पॉइंट है ये। नाउ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे लिखता हूं मैं ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है, तो क्यू आर, ये क्यू आर बेस इंटू पी एम हो जाएगा, बराबर है। तो ये पी, हाँ तो ये पी एम जो होगा, ये पी एम, पी एम निकलते हैं, देयर फॉर पी एम, पी एम इक्वल टू क्यू एम, ये टू इंटू मल्टीप्लीकेशन होगा, टू इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू आर हो जाएगा। ये नंबर वन दे दो इसे, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे फिर से इसी ट्रायंगल का एरिया जो है वो हमारे दूसरे मेथड से कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा हमने, अगर के ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस आपको पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं, वन बाय टू इंटू मॉड एक्स वन इंटू ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू ब्रैकेट वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू ब्रैकेट वाई वन माइनस वाई टू, इस फॉर्मूले से भी निकाल दे। सिमिलरली वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन अनदर वे, एंड सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू वन बाय टू इंटू ब्रैकेट मॉड ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री है सपोज, ठीक है ना। तो एक्स वन, एक्स वन इंटू ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू ये जीरो है, ये जीरो जीरो माइनस वाई थ्री माइनस, ये वाई थ्री माइनस सी बाय बी है तो ये प्लस सी बाय बी हो जाएगा, बराबर है। प्लस एक्स टू इंटू एक्स टू, ये एक्स टू है आपका, ये एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, तो माइनस सी अपॉन ए, एक्स टू इंटू ब्रैकेट, एक्स टू इंटू ब्रैकेट क्या होता है वाई थ्री माइनस वाई वन, सो वाई थ्री क्या है माइनस सी बाय बी है, माइनस सी बाय बी, और माइनस ये वाई वन, वाई एक्स टू इंटू ब्रैकेट वाई थ्री माइनस वाई वन, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री क्या है जीरो है, तो वो जीरो, जीरो इंटू वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आएगा आपका। सो देयर फोर, हाँ देयर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये क्या होगा, हाफ इंटू मॉड में लीजिए सी अपॉन बी इंटू एक्स वन, सी अपॉन बी इंटू एक्स वन हो जाएगा, ये माइनस सी, माइनस सी अपॉन ए और माइनस सी अपॉन बी, तो ये होगा प्लस सी स्क्वेयर अपॉन ए बी हो जाएगा, राइट। और ये माइनस सी अपॉन ए इंटू माइनस वाई वन, तो प्लस सी अपॉन ए इंटू वाई वन हो जाएगा, देखो बराबर है। हाँ तो देयर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल्स टू वन बाय टू इंटू, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सी अपॉन ए बी बाहर लेता हूँ, ये सी ऊपर है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ये है, तो मैं सी भी बाहर लेता हूँ, तो सी अपॉन ए बी को बाहर ले लो, सी अपॉन ए बी, तो ये सी बाहर आ गया, यहाँ बी में से ए बी बाहर लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे ए ऊपर चाहिए, ए एक्स वन होगा वो, सी अपॉन ए बी इंटू ए एक्स वन, तो यहाँ पे ए ए कैंसिल होगा, सी एक्स वन अपॉन बी रहेगा, सी एक्स वन अपॉन बी, बराबर है। प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, सी स्क्वेयर अपॉन ए बी में का सी निकल गया तो सी रह गया, और ए बी तो बाहर आ गया तो प्लस सी रह गया, है ना। और प्लस यहाँ पर सी बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा बी वाई वन हो जाएगा, है ना। दैट इज इक्वल टू वन बाय टू सी अपॉन ए बी इन मॉड ए एक्स वन
बी वाई वन और प्लस सी, ऐसा मिल गया आपको। ये नंबर टू दे दो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसी ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लिया, वो टू इंटू निकाल लिया, मतलब पीएम निकाल लिया, वहां से पीएम ये निकाल लिया। उसके बाद में क्या किया मैंने, ट्रायंगल पी क्यू आर का ही एरिया कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फॉर्मूले से निकालते, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस पता है तो उस फॉर्मूले से निकाला, तो वो एरिया यहाँ पर इतना आ गया। अभी हम क्या करते हैं, अभी मुझे यहाँ पे देखो पीएम, पीएम मीन्स लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये निकालना है। तो यहाँ पे टू इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन क्यू आर, अभी क्यू आर निकल दे, क्यू आर जो है वो डिस्टेंस फार्मूले से निकालो, फिर वो क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये यहाँ पे रखना है वन में, ये वन में रखना है। ठीक है, अभी मैं क्यू आर निकाल दो, नाउ क्यू आर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, नाउ क्यू आर इक्वल्स टू, क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये क्यू आर। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, देखो जीरो प्लस सी अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन बी माइनस जीरो होल स्क्वायर, ये होगा देखो ए एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, तो एक्स टू माइनस जीरो, या ये भी कर सकते जीरो माइनस माइनस सी अपॉन ए होल स्क्वायर, तो ये प्लस सी अपॉन ए होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस सी अपॉन बी उसका स्क्वायर तो वो पॉजिटिव होगा, सी अपॉन बी माइनस जीरो होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस सी अपॉन बी लिया तो भी वो प्लस ही होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हमें अभी क्यू आर जो निकल आया, एक क्यू आर देखो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, ये होगा आपका सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर राइट, और प्लस सी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर हो गए, बराबर है। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिखता हूं, यहां पर एक मिनट, ये होगा आपका इसको बाहर ले लीजिए, सी स्क्वेयर को बाहर लीजिए तो सी आ जाएगा सी अपॉन ए बी मॉड, ये देखो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है, देखो ऐसा होगा, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, चलो मैं करके देता हूँ, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये क्या होगा देखो ये सी स्क्वेयर ये सी हो गया राइट, और या ऐसा कर दे अंडर रूट में ऐसा रहने दो, ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ले लो इसका एलसीएम, तो ये होगा आपका बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ऐसा होगा ना। अब ये अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर जो है वो बाहर आ जाएगा ए बी, और ये सी स्क्वेयर कॉमन ले तो सी आ जाएगा, तो सी अपॉन ए बी, सी अपॉन ए बी, और अंडर रूट अंदर क्या रहेगा देखो सी अपॉन ए बी पॉजिटिव वैल्यू है, अंडर रूट में यहाँ पे मुझे बी स्क्वेयर चाहिए तो यहाँ पर ए स्क्वेयर लिख दो, ये ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लिखो यहाँ पर देखो ऐसा, तो यहाँ पे देखो ना इसको मल्टीप्लाई करो ए स्क्वेयर और सी अपॉन ए बी से, तो आपको ये वाले दो टर्म्स मिल जाएंगे, लिख सकते क्या ऐसा, देखो ये सी स्क्वेयर यहाँ से कॉमन निकाला तो सी बाहर आ गया, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अंडर रूट है में तो ए भी बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा आपका यहाँ पे देखो ये बी स्क्वेयर प्लस सी ए स्क्वेयर रह गया, ये बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रह गया, ये सी स्क्वेयर कॉमन आ गया ना बाहर सी, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रह गया ना, तो दिस इज नंबर थ्री। अब ये टू और थ्री ये वन में पुट करना है, टू और थ्री वन में पुट करो, तो ये आपका थ्री है, ये आपका क्यू आर है, दिस इज क्यू आर, नाउ पुट दिस दीज वैल्यूज ऑफ क्यू आर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इन दिस वन, देयर फोर पी एम इक्वल्स टू टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाला है हाफ इंटू सी अपॉन ए बी, सी अपॉन ए बी मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय क्यू आर था मेरा सी
सी अपॉन ए बी ऐसा, और अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये समझ में आएगा देखो आपकी। हाँ, मैंने क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल वहां पे पुट किया, वहां के कुछ नहीं, तो यहाँ पे ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, टू टू कैंसिल, सी अपॉन ए बी, सी अपॉन ए बी ये भी पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगी। देयरफॉर पी एम इक्वल्स टू मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट पी से लाइन एल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको लाइन दिया है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये लाइन दिया है, और ठीक है ये लाइन दिया है, और एक्स वन वाई वन सपोज थ्री और फोर, ये पॉइंट दिया है, तो ये आपका एक्स वन वाई वन है, इस पॉइंट से थ्री फोर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो आपको क्या करना है, ये थ्री और फोर एक्स वन वाई वन की वैल्यूज होगी, इस फॉर्मूले में एक्स वन वाई वन ये थ्री और फोर लिखना है, यहाँ पे ए इक्वल टू टू है, बी इक्वल टू थ्री है, सी इक्वल टू एट है, तो यहाँ पे ए इंटू एक्स वन टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर प्लस एट अपॉन अंडर रूट टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट थ्री फोर हो जाएगा। समझ में आ गया, दिस इज द फॉर्मूला। हाँ तो ये फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ये कैसे निकालते हैं ये आपको याद होना है। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट दिया है थ्री माइनस फाइव, थ्री माइनस फाइव फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन, और लाइन दिया है थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। सॉल्यूशन, हियर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, हियर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या है, थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू जीरो, ये लाइन का इक्वेशन, यहाँ पर ए इक्वल टू थ्री है, बी इक्वल टू माइनस फोर है, सी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सिक्स है, ए बी सी की वैल्यूज निकालो, एंड द पॉइंट इज, एंड द पॉइंट पॉइंट इज थ्री माइनस फाइव, दैट इज एक्स वन इक्वल टू थ्री वाई वन इक्वल टू माइनस फाइव, ठीक है। देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन, लाइन कौन सी है, थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू जीरो, फ्रॉम द पॉइंट थ्री माइनस फाइव इज डी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख दो, मॉड पॉजिटिव डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड में लेना, एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए, व्हाट इज ए इज थ्री, थ्री इंटू एक्स वन इज थ्री प्लस बी, व्हाट इज बी, माइनस फोर इंटू वाई वन क्या है, माइनस फाइव, और प्लस सी दैट इज माइनस ट्वेंटी सिक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए इज थ्री स्क्वेयर और बी इज माइनस फोर स्क्वेयर, कैलकुलेट करो कितना आता है, देखो दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट थ्री माइनस फाइव, तो डी इक्वल्स टू कितना आता है, सेवन माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट नाइन प्लस सिक्सटीन, तो टू बाय फाइव आता क्या, देखो इसको कैलकुलेट करो,
3 2 3 9, 9 plus 20 है ना, 29। ये देखो 3 2 3 9, ये 20 हो जाएगा, 29। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ये क्या हो गया, इक्वल टू, ये देखो कितना होगा ना, डी इक्वल टू ये 29 है ना, -26 अपॉन ये कितना होगा, 9 प्लस 16 है ना, इक्वल टू 29 माइनस 26, तो ये 3 हो जाएगा, 3/5, दिस विल बी द डिस्टेंस। बराबर है, 3/5 ये डिस्टेंस हो जाएगा इस लाइन का इस पॉइंट से लेके, इस तरह से हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट निकाल सकते हैं। ओके, चलो दूसरा। अभी अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। इफ टू लाइंस आर गिवन, अगर आपको दो लाइंस दी, उसने दो लाइंस के, दोनों लाइन की इक्वेशन पता है, और दोनों लाइन में, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, वो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो यहां पर हम दो पैरेलल लाइन लेते, लेट वाई इक्वल टू एम एक्स, पैरेलल लाइन है तो ये यहाँ का एक्स का कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट सेम रहेगा, वाई इंटरसेप्ट अलग हो सकता है, एंड वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू है ना, आर टू पैरेलल लाइन, आर टू पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, y कोट एम एक्स प्लस सी वन, y कोट एम एक्स प्लस सी टू, दीज आर टू पैरेलल लाइन, और आपको अभी यहाँ पर इनके बीच में कहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो चलो हम एक पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। दो लाइन निकालते हैं पैरेलल लाइन, एक ऐसी है और इसी को पैरेलल सपोज दूसरी ऐसी है, ये ऐसी, सो दीज आर टू पैरेलल लाइन, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, और ये दूसरी जो लाइन है ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू है, दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ये 90 का है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो यहाँ का पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं, यहाँ x कोऑर्डिनेट निकालो पॉइंट का, y को एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे y को 0 रखो, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0 इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस m अपॉन सी वन हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस सी वन अपॉन एम हो जाएगा, माइनस सी वन अपॉन एम होगा ना एक्स इक्वल टू, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ का, ये लाइन है आपकी एम एक्स प्लस सी वन, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा आपका माइनस सी वन अपॉन यम और जीरो। देखो समझ में आ गया, हाँ, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे जीरो रखो क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो रखो, जीरो इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी वन अपॉन एम और जीरो, तो इसका मतलब अभी ये लाइन पर यहाँ का पॉइंट पता हो गया हमको, ये हमको डी निकालना है, ये डी निकालना है, और इस लाइन का इक्वेशन भी मालूम है, तो ये ऐसा हो गया ना, देखो जैसे अभी ये लाइन है, इसका इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, और पॉइंट भी मालूम है, पॉइंट कौन सा है, माइनस सी अपॉन एम वन और जीरो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपको, इस लाइन का इक्वेशन मालूम है और ये पॉइंट मालूम है, यहां से डिस्टेंस निकालना है ना, तो जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट मालूम है, यहाँ का माइनस सी अपॉन एम वन जीरो, ये पॉइंट है दिया हुआ, और यहां से ये जो लाइन है इसका इक्वेशन वाई कोट एम एक्स प्लस सी टू है, वाई कोट एम एक्स प्लस सी टू है ना, तो इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम एक्स माइनस वाई प्लस
प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, या इसको अगर मैं ठीक है ऐसा एम एक्स माइनस वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये लाइन होगी। तो ये लाइन पता है और ये पॉइंट पता है, तो यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी हमने फार्मूला देखा है ना, तो वो लिखो। तो यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन एंड y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू आर टू पैरेलल लाइंस। ओके, दिस पैरेलल लाइन, लेट लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन मीट्स x एक्सिस एट माइनस सी वन अपॉन एम और जीरो, इस पॉइंट में मिलती है। हाँ, सो देयरफॉर दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, देयरफॉर एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस सी वन अपॉन एम और वाई वन हो जाएगा जीरो। एंड द लाइन इज, एंड सेकंड लाइन इज, सेकंड लाइन इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। दिस इम्प्लाइज एम एक्स माइनस वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ए आपका ए इक्वल टू एम हो गया, ए इक्वल टू एम, बी इक्वल टू माइनस वन हो गया वाई का कोएफिशिएंट, और सी इक्वल टू सी टू हो गया, है ना। देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए बिटवीन बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस विल बी, पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है ये वाला, और ये लाइन का इक्वेशन मालूम है। सो डी इक्वल्स टू क्या पर ए एक्स वन, ए क्या है एम, ए एक्स वन, एक्स वन क्या है मेरा माइनस सी वन अपॉन एम, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, बी क्या है माइनस वन वाई वन, बी वाई वन, वाई वन क्या है हमारा, वाई वन जीरो है, जीरो है ना, प्लस सी, सी में सी टू है तो यहाँ पे प्लस सी टू ऐसा आप अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए क्या है एम है एम स्क्वेयर, बी क्या है वन है, माइनस वन का स्क्वेयर वन ही हो जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा अलग से लिखो, देयर फोर डी इक्वल्स टू ये एम एम कैंसिल करो, ये माइनस सी वन और सी टू, तो सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वेयर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे देखो, अगर पैरेलल है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन है, और दूसरी पैरेलल लाइन वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू है, तो दोनों के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ये सी टू माइनस सी वन करना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस, स्लोप तरीका रहेगा एम एम, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो स्लोप दोनों का सेम रहेगा, यहाँ पे एम एम हम ले सकते हैं, तो इसलिए अंडर रूट वन प्लस स्लोप का स्क्वेयर, उनका जो स्लोप होगा एम का स्क्वेयर, वन प्लस एम स्क्वेयर, डायरेक्ट फार्मूला है। अगर पैरेलल लाइन है दोनों, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इक्वल्स टू मॉड सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वेयर, ये फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आई क्या? हाँ, ओके। पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर कहीं पर भी पॉइंट रहेगा और आपको एक जनरल लाइन का इक्वेशन दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, हाँ एक्स वन वाई वन कहीं पर भी पॉइंट है, तो फिर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट वो क्या होता है, मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है। अगर आपको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू ये दो पैरेलल लाइंस दी है, तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में का डिस्टेंस जो होगा वो मॉड सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वेयर होगा, ठीक है ना। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। चलो इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, एक फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल